राजस्थान हाईकोर्ट ने रणथंबोर के टाइगर हैबिटेट इलाकों में बने अवैध होटल को कुर्क करने का आदेश जारी किया। साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने सवाईमाधोपुर के जिला प्रशासन और पुलिस को वन अधिकारियों के साथ सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। वहीं डीजीपी को मामले की निगरानी करने के लिए कह दिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रणथंबोर में बाघ आवासीय इलाकों में किए जा रहे निर्माण और अतिक्रमण पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों से बात की है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणथंबोर के मुख्य वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से बात की। मामले की अगली सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना बफर जोन में अवैध निर्माण संभव है। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं, क्योंकि आप जो जंगल का जो एरिया है रणथंबोर के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व जो है एक बड़ी हिस्से में फैला हुआ है और 1113 वर्ग किलोमीटर का ये हिस्सा है, 297 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र में ये काम करता है। मानसून में हर साल ये कुछ जोन जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व में 70 से ज्यादा बाघ हैं। और इस दौरान क्योंकि ये 1700 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा टाइगर रिजर्व जो है वो फैला हुआ है। 1113 वर्ग किलोमीटर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, जहां पर टाइगर्स के लिए पूरी आबादी है। और यहां पर जो बफर क्षेत्र है वहां पर भी धीरे धीरे इंसानी दखल जो है बढ़ रहा है। मानसून में हर साल इसको बंद भी कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए खोला जाता है। टाइगर रिजर्व में 70 से ज्यादा बाघ हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो हिस्सा है वो बाघों के लिए कहीं कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो है बाघों के लिए यहाँ पर प्रेडेटरी की जंग भी दिखाई देती है। और टाइगर एरिया में अवैध निर्माण बाघों पर क्या असर हो रहा है जरा वो आप देखिए। पर्यटकों की हलचल क्योंकि इन इलाकों के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है, बाघों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव दिखाई देता है, स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है, और साथ ही साथ उनकी जो प्रजनन क्षमता है उस पर भी इसका असर होता है, क्योंकि वहां पर चहलकदमी ज्यादा होती है। बाघों में फुर्ती की कमी फिलहाल दिखाई दे रही है, ये भी कुछ रिपोर्ट्स के जरिए पता चल रहा है। वहीं जो तनाव उनके अंदर बन रहा है उसी से उनकी जो उग्रता है, इसीलिए ज्यादातर देखा जाता है कि वो अटैक कर रहे हैं। तो इंसानी गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं, पर्यटकों की हलचल ज्यादा हो रही है। अब जो एनवायरमेंट है उसको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। एनवायरमेंट को जो है जहां पर जंगल का जो एरिया है उसके अंदर इंसानी गतिविधियां ज्यादा बन रही हैं, और ये जो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है। हमारे साथ अनिल सूद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं पर्यावरणविद के तौर पर। अनिल जी बहुत स्वागत है आपके आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ महिमा किरोड़ी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महिमा जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जो हैं हरि प्रसाद योगी जी सामाजिक कार्यकर्ता, इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं जरा जल्दी से अनिल जी आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके की ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी टेंशन यही है कि बाघों की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो अवैध रूप से निर्माण हो रहा है ये एक बड़ा चिंता का कारण है। अब आप देखिए वन्यजीव न सिर्फ बाघ, इसमें आप देखिए पैंथर को लेकर के जो राजस्थान के अंदर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ये अपने आप में बड़ी चिंता का कारण है। और इन सब की अगर जड़ में जाया जाए तो ये अवैध निर्माण और इंसानों की जो गतिविधियां हैं वो इसका सबसे बड़ा कारण मानी जा रही हैं। जी जी देखिए, जैसे मैंने उस पहले भी कई बार मैं कहता आया हूं कि जब टाइगर आदमखोर हो जाता है तो कहते हैं इसको गोली मार दो, शार्प शूटर बुला लो। तो जब इंसान जंगल खोर हो जाता है उसका क्या करते हैं? सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि अगर आप आज रणथंबोर देखें, सवाईमाधोपुर आज का देखें और आज से 7 साल पहले का देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ इतने रिजॉर्ट खुल चुके हैं और कई रिजॉर्ट जो हैं वो इनकी जो टेरिटरी है उसके साथ बिल्कुल टच कर रहे हैं। और कई जो रिजॉर्ट्स वाले ये क्लेम करते हैं सोशल मीडिया पे कि आप हमारी छत पे चढ़ जाएंगे तो आपको टाइगर रात को घूमता हुआ मिल जाएगा, आपको सड़क के ऊपर टाइगर क्रॉस करता हुआ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। पहले 5 जोन हुआ करते थे रणथंबोर के, अब 10 जोन हो गए हैं। क्यों बढ़ाएंगे जोन, किसके कहने पे बढ़ाए,
क्या ये जोन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं पता कि टाइगर्स को जो है हमने प्रोटेक्ट भी करना है, इनकी हैबिटेट को भी प्रोटेक्शन देनी है, इनको नॉइज पोल्यूशन से भी बचाना है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आसपास कहीं वाइल्ड लाइफ तो नहीं इंपैक्ट हो रही। तो हम तो वाइल्ड लाइफ के अंदर घुस गए। जब आप गणेश जी के टेम्पल में जाते हैं, अगर आप देखो कभी वहां जाके, तो कितनी क्राउड जाती है गणेश जी के मंदिर में, मान्यता है उस मंदिर की, तो आप उसका रास्ता दूसरी तरफ से क्यों नहीं बनाते? तो कुल मिला के ये एक बहाना है, हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है, हमारे पास फंड की शॉर्टेज है, ये सब ड्रामेबाजी है। यानी ये 2018 से, 2018 से राजस्थान हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था इस मैटर का, क्योंकि तब दो कब मारे गए थे। तो 2018 से लेके आज 24 आ गए हम, क्या ये सारे कुंभकर्ण सोए हुए हैं? इनको क्या कोर्ट की जगाने की जरूरत है? कैसे बन गए रिजॉर्ट बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नॉलेज के, बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज के, बिना कनाइवेंस के लोगों की, ये कैसे बन गए? बिल्कुल ये वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल अपने आप में जो अपने आप में इनकी सबकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और ये सवाल ये भी है कि हम आगे अपने भविष्य के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं? हम जो आज कर रहे हैं वो हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी की। हाँ, हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते आने वाली पीढ़ी के, आने वाली पीढ़ी के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है किसी का। सब सरकारें जो अपनी अपनी डफली, आज भी अगर एनवायरनमेंट की बात करें, किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, हेरिटेज बचाने का किसी का एजेंडा नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि बात करता कि हमने वाइल्ड लाइफ कैसे प्रोटेक्ट करनी है। मिसेस गांधी 1985 में एक वाइल्ड लाइफ एक्ट बना गई थी, तो कुछ बचा हुआ है। इनके ऊपर छोड़ा जाए तो ये सब साफ हो जाएगा, जैसे लक्षद्वीप साफ हो रहा है, कल को राजस्थान भी साफ हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर में आप इम्पैक्ट देख लेकिन रहे हो। इसीलिए हमारी एक कोशिश है, हमारी छोटी सी एक कोशिश है कि हम लगातार इस मुद्दे को कम से कम जीवंत रखें, बार बार ये जो मुद्दा है इसको उठाएं, कम से कम ये अधिकारियों तक, नेताओं तक कम से कम इस मुद्दे की गंभीरता को ये समझ पाएं। और बड़ा आपने अच्छा कहा कि भाई अगर जिम्मेदार जो लोग हैं अगर वही अनजान बन जाएंगे तो कैसे होगा, और क्या बिना किसी की जानकारी के इतना सब कुछ हो जाता है। मैं इस बीच हमारे साथ सुनैन शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, ये सभी का सहयोग इसमें चाहिए होगा, बस हमारी तो एक कोशिश है कि हम इस मुद्दे को थोड़ा सा जीवंत रखें और कम से कम ये जो असल परेशानी है हम उसको भी लोगों और खास करके जो हमारे प्रशासन है, सरकार है, हम उन तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर सकें ताकि इसका कुछ ना कुछ हल तो निकले, कुछ समाधान तो निकले। सुनैन शर्मा जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। सर, एक चीज़ बताइए, ये जिम्मेदार जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, क्या उनके बिना, क्या स्थानीय प्रशासन को मालूम हुए बिना ये जो बताया गया कि भाई कई बफर जोन बन गए, वहाँ पर जो है इतने रास्ते खुल जाते हैं मंदिरों के लिए, अगर रास्ता वहाँ पर तैयार कर दिया जाता है ना, तो वहाँ पर रिजॉर्ट बन रहे हैं और जैसा कि बताया भी जाता है और ये दिखाई भी देता है, आप जाइए वहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग के अंदर या ऑफलाइन बुकिंग भी करवाते हैं तो वहाँ पर बकायदा इस चीज़ को मेंशन किया जाता है। बिल्कुल सही कहा अनिल सूद जी ने कि भाई वहाँ पर मेंशन किया जाता है कि हमारे यहाँ से देखिए आप टाइगर को बहुत अच्छे से बारीकी से देख पाएंगे, बहुत अच्छे से आप उसको देख पाएंगे, बहुत नज़दीक से आप देख पाएंगे। तो ये हम जो हैं जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हैं और यही कारण है कि बार बार हमलों की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं और संख्या को लेकर के बार बार परेशानियां बढ़ती हैं बाघों की। सुनें सर। हाँ जी, धन्यवाद, आपने शुरू किया। मैं भी अनिल जी की बात से ही कहूंगा कि कम से कम आप इस विषय को बराबर उठा रहे हैं, वरना आज स्थिति ये है कि जिसको देखना है उसको बाघ देखना है, बघेरा देखना है, इनको कैसे मैनेज करना है और क्या इल मैनेजमेंट चल रहा है, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हो रहे हैं, झेलने पड़ रहे हैं, उस सबको नज़रअंदाज करके लोग बैठे हैं। बहुत ही खराब बात है, मैं कहूँगा शर्मनाक है उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार है। आपने कहा प्रशासन, जिला प्रशासन, वहाँ का प्रशासन ही नहीं, सरकारें जिम्मेदार हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जितने ये जो स्थानीय प्रशासन है ये तो सरकार का ही अंग है। सरकार की अगर नीति नहीं है ठीक से तो क्या होगा?
आप मुझे बताइए इको सेंसिटिव जोन का क्या मतलब क्या है? इको सेंसिटिव जोन क्रिएट कराया, सुप्रीम कोर्ट ने बार 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 कह के लताड़ लगा कर कराया और उसकी भी पालना नहीं हो रही। आपको क्या टाइगर टाइगर को क्या सफारी बनाएंगे इसको या जू बनाएंगे? कोई ये समझना नहीं चाह रहा है कि ये जो टाइगर को दिखा के जो टूरिज्म कर रहे हैं आप तो पैसे कमा लेंगे, लेकिन आप ये बताइए जिस जगह में लाखों परिवार पल सकते थे खेती करके कुछ और करके, उनकी कॉस्ट पे इसको अगर पनपाया गया है तो वो क्या सिर्फ इस टूरिज्म के लिए? नहीं, टूरिज्म नहीं है उसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है टोटल एनवायरनमेंट को बचाना। टोटल एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन, पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन है, उसमें नदी नाले पहाड़ जंगल छोटे जीव बड़े जीव शाकाहारी मांसाहारी सब है, ये है पूरा इकोसिस्टम। टाइगर तो सिर्फ एक इंडिकेटर है उस जंगल की हेल्थ का। आपने तो ये तमाशा बना दिया कि उसका टूरिज्म, जो कि सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट होना चाहिए था, उस बाई प्रोडक्ट को आपने मुख्य प्रोडक्ट बना दिया। चारों तरफ से उसको आप घेर लिया। कहां पॉलिसी कहती है कि आप कॉरिडोर बनाइए, पॉपुलेशंस आइसोलेटेड रह जाएंगी तो उनमें इनब्रीडिंग होगी, इनब्रीडिंग होगी तो पॉपुलेशन नष्ट हो जाएंगी, और कहां हम जो है उसको और कन्फाइन करके चारों तरफ से घेर के बंद कर रहे हैं। अनिल जी ने ठीक कहा, अगर होटल वालों का बूता चले तो वो अपने घर में इस तरह से गेट और बना दे जंगल से मिला के, ताकि लॉन में ही दिखा दे उस टाइगर। ये जो स्प्रिट है, ये जो तौर तरीका है, ये बहुत गलत है। टाइगर अगर किसी को ऐसे देखना हो तो उसके लिए अलग सफारी बनाइए, आप सफारीज में विजिट कराइए, लेकिन जो नेचुरल जंगल है उनको नेचुरल जंगल की तरह ही मेंटेन करना चाहिए, मेरी तो बहुत स्पष्ट धारणा है। और आप देख रहे हैं इसका फॉलोआउट देख रहे हैं, उदयपुर के एरिया में क्या चल रहा है, इतने दिन से 8 लोग मारे गए हैं, क्या कारण है? सरिस्का का बाघ जो है अभी हरियाणा में घूम रहा है, यही बाघ 7 महीने पहले भी हरियाणा में था, जो रेस्क्यू टीम गई उसको उसने घायल भी किया, उसके बाद जैसे तैसे वो वापस आया फिर दोबारा गया, बिकॉज इट इज कंपेल्ड, आपने छोड़ा ही कुछ नहीं उनके लिए। और जो एरिया जिसको डेवलप करके आपको बनाना चाहिए इनका हैबिटेट, उस एरिए को आप फिर पैक किए जा रहे हैं। सरिस्का में भी यही हो रहा है, रोजाना प्रॉब्लम आती है, आपने बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे। सिलिसेट के पास का एरिया है, उसमें रिजोर्ट्स आ रहे हैं, उसका कैचमेंट एरिया ही पूरा का पूरा घेरे ले रहे हैं। अगर ये चीजें चलेंगी तो कैसे चलेगा? हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से हमको काम चलाना, सरकार क्या कर रही है? हम वाइल्ड लाइफर्स क्या कर रहे हैं? हमारा मैनेजमेंट ये है, ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट नहीं है, दिस इज इल मैनेजमेंट। ये किसने सिखाया है? हमने तो जब पढ़ा सीखा प्रैक्टिस किया ऐसा मैनेजमेंट नहीं था। डे बाय डे बहुत डिटोरेशन हो रहा है एंड नोबडी इज स्टॉपिंग। आई थिंक गवर्नमेंट्स लैक दिस विल, सरकार को ही ये करना पड़ेगा, अन्यथा ये सब बाकी का दिखावा है, एक लिप वर्क है, हम जंगल को सुरक्षित कर रहे हैं, हम लोग वाइल्ड लाइफ के लिए कर रहे हैं। नोबडी इज बॉदरिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ, दैट इज माई स्टेक। ठीक है, अब मैं इसमें जरा महिमा जी को जोड़ लेता हूँ। महिमा जी, कैसे संभव हो पा रहा है कि भाई अवैध रूप से अगर कहीं कोई निर्माण हो रहा है, वो भी जंगलात के इलाकों के अंदर, ये और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? सर वही होता है, जब क्लियरेंस के लिए भेजा जाता है मीनवाइल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना, इसी वजह से इलीगल, जो क्योंकि टर्म अगर आप देखेंगे तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कहा गया है उस पर, वो वैध नहीं है, वो इलीगल ही इसीलिए है क्योंकि उसकी क्लियरेंसेस नहीं है। और जहाँ ये अपने पर्यावरण संवेदनशील जो क्षेत्र है इसमें तो प्रोहिबिटेड है जो जो इसमें, अच्छा महिमा जी कानून क्या कहता है? अगर देखिए वैसे तो अवैध निर्माण है ही, लेकिन अगर वहां पर वो कोई रिजॉर्ट वहां पर अगर एस्टेब्लिश हो रखा है, होटल वहां पर बन चुके हैं, तो उनको हटाने के लिए क्या कानूनी तौर पर कार्रवाई हो सकती है? सर कार्रवाई हो सकती है सर, जैसे हाईकोर्ट ने सीजर के ऑर्डर दे दिए हैं उसको अपने अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर लेने के उसका, और इसमें कंटिन्यूड प्रोसेस चाहिएगा टू मॉनिटर ऑल दीज एक्टिविटीज। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी बनाई गई थी उसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने उस कमेटी को परमानेंट कर दिया, तो उसकी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम करी है ताकि उसमें ये एक्टिवली इंश्योर किया जा सके कि इस तरह के इलीगल जो निर्माण है वो नहीं हो। और इनकी जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, इनको क्रिमिनली अकाउंटेबल कराया जाए
तब हो सकता है कि पर्सनली जब एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, तो अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट ने दी है कि जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स में भी जो व्यवहार रहा सरकार का वो काफी आपत्तिजनक था। और ये किसी एक सरकार उसमें की बात नहीं है, अभी तक की जितनी किसी सरकारें एक रही सरकार हैं। की बात नहीं है, हाँ, किसी और एक उस सरकार की बात नहीं है, ये एक जो एक एटीट्यूड, एक जिसको आप कह सकते हो एक एक बिहेवियर एस्पेक्ट है इसके हाँ अंदर, कि जब तक कि हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना पड़े तब तक एक्टिवली काम नहीं होता। काम एक्टिवली होता काम है नहीं पर होता वो है। जैसा कि बाकी जो पैनलिस्ट है उन्होंने बताया जैसे कि वो सिर्फ एक लिप सर्विस होके रह जाती है। और इनफैक्ट इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए जो रीसेंट अपडेट जो इनरी गोदावर्मन केस के अंडर में ली है कि इस कमिटी की जो इफेक्टिव फंक्शनिंग है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एज अ मॉनिटर एक्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसमें हरि प्रसाद जी को भी जोड़ लेता हूँ। हरि प्रसाद जी, अब ये लोगों को भी समझ में आना कि भाई अगर आप जंगलों के इलाके के अंदर जाते हैं, हम उदयपुर के अंदर देख ही रहे हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, और फिर हम उसमें टारगेट कर लेते हैं भाई वन्य जीवों को कि वो आदमखोर हो रहा है, हम सारा ब्लेम उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं सकते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, हम हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि उसके पीछे की वजह क्या है। हमने उनके घर छीन लिए, उनके घरों के अंदर हम दखल दे रहे हैं, खाने पीने की उनके लिए उपलब्धता हो नहीं पा रही है, रहने के लिए उनके दिक्कत है, उनका आवास जो है, उनका घर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, यही तो कारण है, इसलिए वो बागी हो रहे हैं, इसलिए वो हमला कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी आवाज आ रही है सर जी आपको? आपके, हाँ बिल्कुल, आवाज़ आ रही है सर। हाँ सर, 1972 में जब राष्ट्रीय रणथंबोर अभयारण्य का स्टेब्लिश किया गया था तो मेरे हिसाब से मेन जो ऑब्जेक्ट थे, उद्देश्य थे, वो यही थे कि टाइगरों को संख्या को बढ़ाना, लुप्त तो होते हुए बाघ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना, उसको प्रजनन बनाना, बढ़ाना। लेकिन आज हो क्या गया, जैसे कि मेरे से पहले जो शर्मा जी ने बताया कि इसे एक सर्कस बना दिया गया। आपको 24 घंटे उस टाइगर के खाते पीते सोते समय उसके आगे पीछे कैमरे लगा करके और सैकड़ों गाड़ियां अंदर जाएगी तो टाइगर फिर वो आदमखोर उसका नाम दे दिया जाता है। आज हालात ये देखिए, हम लोग यहीं के लोकल रहने वाले हैं, 1972 के बाद से लेकर के अभी 2000 में जब सरिस्का में बाघ अचानक से गायब हुए, तब सुनीता नारायण जी यहाँ पर आई थी सवाईमाधोपुर में, उनकी रिपोर्ट देखिए, उन्होंने क्लियर अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि आप लोग जल्दी से जल्दी बाघों का वास्तविक संरक्षण कीजिए यहाँ पर ये। और 2004 में गोवा फाउंडेशन का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इको सेंसिटिव जोन को लेकर के आज तक भी वो 1000 मीटर की दूरी पर पूरा प्रशासन कभी उन्होंने नापा ही नहीं जाकर के कि 1000 मीटर जो सुरक्षा बाउंड्री है वहां से 1000 मीटर दूर कितने होटल्स बन चुके। इवन मैंने तो आरटीआई से निकलवाया था, होटल 1000 मीटर नहीं बल्कि अंदर तक भी बन गए। और बड़े बड़े लोग जो पूर्व वन मंत्री रहे थे, मैं यह नाम नहीं लेना चाहूंगा, पूर्व वन मंत्री रहे थे, उन तक उनने अंदर सुरक्षा वाल के अंदर तक होटले बना ली। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी, बार बार में केवल कागज आता है, अखबारों में न्यूज आती है नहीं, कि इको अच्छा सेंसिटिव ये जोन। आप ये भी जी कहना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी राजनीतिक संरक्षण के चलते ये सब कुछ डेवलपमेंट होता है अंदर जी अवैध रूप लोकल से। सवाई माधोपुर के लोगों की तो यहाँ होटल ही नहीं है, हाँ ज्यादातर लोग हुए हैं जो बहुत बड़ी लोभी माफिया टाइप के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये इको सेंसिटिव जोन जो आसपास के करीब सैकड़ों जो गांव है उन लोगों के ऊपर थोपा जाता है, 91 की कार्रवाई इनके ऊपर की जाती है। अगर छोटा सा जानवर का बाड़ा भी अगर बना देगा तो उसके ऊपर फॉरेस्ट वाले आकर के 91 की कार्रवाई करते हैं, हजारों केस चल रहे हैं सर कोर्ट के अंदर। लेकिन जो बड़े होटल्स बने जो अंदर तक बन गए उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये बड़ी एक त्रासदी है। बल्कि मैं तो ये सर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर टाइगर के नाम पर जिस तरह से इन्होंने एक सर्कस बना रखा है उसे अगर, जिसमें आप ये देखिए जितने भी फॉरेस्ट के कर्मचारी वो टिकट काट रहे हैं, वीवीआईपी को घुमा रहे हैं अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट घुमा रहे हैं, जबकि 99% लोगों ने अंदर से अभी तक देखा ही नहीं, फिर कहते हैं आपसे सहभागिता निभाइए। जबकि सबसे बड़ा रोल आसपास के गांव वाले अदा करते हैं, गर्मियों में अंदर पानी सूख जाता है तो हमारे खुद के भी खेत है, हम लोग पानी भरते हैं सर, सांबर है, नील गाय आकर के पानी पीते हैं, हम तो एज ए गार्ड की भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमको अंदर जाने के लिए कभी आज तक वीवीआईपी को तो फ्री है पर हमें आधी कीमत पर भी हमारे इतने पैसा नहीं है कि हम लोग अंदर देख सकें। तो हम लोगों के साथ तो इन्होंने सारे कानून बना रखे हैं, लेकिन जिनके ऊपर कानून रात में जा रहे हैं, ठीक कोई है, फिल्म बनाने वाले आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं पैसा दे करके, और कई गाड़ियां अंदर जा रही, होटल वालों ने जैसा कि अभी सर ने कहा छत पे ऊपर बिठा करके सारे वो पार्टियां करते हैं ऊपर बैठ करके। और सबसे बड़ी बात एक और मैं अंतिम कहना चाहूंगा सर, सवाई माधोपुर सरिस्का में सबसे बड़ा बड़ा फर्क है, सवाई माधोपुर के ज्यादातर जो गांव है वो शाकाहारी है,
वो रात को कभी भी पेड़ नहीं काटते। ये खुद मैं यहीं का आलनपुर है, पास में यहीं का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। हम लोग सूखा डालिया या पेड़ बस उसी के हाथ लगाते हैं, बाकी यहाँ पर कभी भी हरे पेड़ कभी नहीं काटते। तो हम लोग तो पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए जो गार्ड है, हजारों सालों से सदियों से बनाता, हम तो आज भी कहते हैं कि रणथंभौर आप लोगों ने थोड़ी बनाया, रणथंभौर तो हमारे बाप दादाओं ने विरासत में इसके संरक्षण किया बिल्कुल मन से। ये जो कल्चर आज तो लोग केवल कॉमर्शियल पर्पज से हो गए, बट भी होटल है, माफिया ग्रुप है इनका, इन्हीं के सारे सफारी हैं, इनसे जब चाहो आप कितने भी हजार रुपए में ये लोग आपको रात में अंदर तक ले जाएंगे, मेरा दावा है। बल्कि आपको वहां वाइल्ड लाइफ के नाम पर ये लोग वहां पर गोमांस तक, इनका सॉरी वाइल्ड लाइफ का जो है मांस तक भी परोसते हैं होटलों में। अगर इनकी जांच की जाए तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, ज्यादातर होटलों में दारू और मांस ये सब चलता है, जबकि हमारे यहाँ के स्थानीय लोग तो बेचारे बहुत दूर हैं। सरिस्का में भले मेऊ समाज के लोग हैं जो हो सकता है करते हैं, सवाई माधोपुर का कल्चर गुजर मीणा ये छाछ खाते हैं, राबड़ी खाते हैं और दूध पीते हैं, ये कभी भी शाकाहारी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें इन लोगों को अनिल जी को जरूर बता दिया। हाँ जी, तो अनिल जी एक चीज यहाँ पर देखने वाली ये भी है कि भाई कोऑर्डिनेशन तो हो नहीं रहा है कि लोगों को, स्थानीय लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ा जाए, जो एक लंबे समय से जिनको आदत भी है, जिनको पता भी है। मुझे लगता है कि वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, उनसे बेहतर काम ये कर सकते हैं लोग, क्योंकि इनको समझ है, इनको जानकारी है एक लंबे समय से। और दूसरा चीज़ ये भी कि अंदर ये बड़ी वाजिब सी बात है, और जब हमारी टीम भी इलाकों के अंदर जाती है, गाँव के अंदर जाती है, तो वहाँ पर लोगों का कहना ये है कि हमारी अगर छोटी सी बाढ़ है या कोई कुछ घर है या वहाँ पर अगर कहीं बाढ़ लगा रखी है, उनको हटाने के लिए पहले कार्रवाई होती है, लेकिन अंदर इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट तैयार हो चुके हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनको राजनीतिक तौर पर संरक्षण कहीं ना कहीं मिल रहा है। सर आप देखिए, राजस्थान में हर 5 साल बाद पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बदल जाती है, कब 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, पर आप ये देखेंगे हालात नहीं बदलते हैं, हालात वही के वही हैं। जो लोकल विजडम है वो शायद ब्यूरोक्रेटिक विजडम से कहीं ज्यादा है, जिसको हम सब लोग डिस्काउंट करते हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी मानती नहीं है कि इनमें विजडम हमारे से ज्यादा है। तो इसलिए लोकल आदमियों को जो है वो सिस्टम से बाहर रखा जाता है। और दूसरा रीजन ये है लोकल विजडम ना अपनाने का, कि अगर लोकल विजडम अपना ली तो पैसा कहां से आएगा। आप ये देखिए, बाकी सब जगह तो बुलडोजर चल गए, यहां क्यों नहीं बुलडोजर चले? अगर इलीगल है तो भाई बुलडोजर क्यों नहीं चले यहाँ पे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। छोटा सा क्राइम किसी टेनेंट के बच्चे ने किया, उसके मकान मालिक का घर तोड़ दिया, यहाँ तो आप ब्रेजन वायलेशन कर रहे हो और फिर चुपचाप बैठे हुए हो। तो ये सारा सिस्टम जो हमारा बड़ा रॉटन सिस्टम है, और प्रोटेक्शन ऊपर से है, कॉफी जो है ऊपर से नीचे परकोलेट करती है, ना कि नीचे से ऊपर करती है। तो हमारा जो भ्रष्टाचार की कॉफी जो है ये ऊपर से नीचे आ रही है। और जब तक हम इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, जैसे 2 साल पहले खबर आई थी, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के बावजूद राजस्थान के अरावली रेंज के 31 पहाड़ गुम हो गए, तो बड़ी चौंकाने वाली बात ये, ना तो हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, ना हम हाई कोर्ट की इज्जत करते हैं, ना हमने किसी चीज की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। वायलेशन हम सबसे ज्यादा करते हैं, और मारना हमने आम आदमी को है। इंस्टीट्यूशनल वायलेटर्स को हम नहीं छेड़ेंगे। और इसमें इसमें क्या है ना, पॉलिटिकल विल होना बड़ा जरूरी है, इसमें पॉलिटिकल विल होना बड़ा जरूरी है, और तभी ये ऐसे जो तस्वीरें सामने आती हैं या ऐसे जो अवैध निर्माण हैं तभी उनको खत्म किया जाएगा। सुनील शर्मा सर, इसमें पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कहा गया कि पता तो होगा ही कि भाई अंदर तक जाकर के इतना अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन हो चुका है, लेकिन क्या जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या जो अधिकारी हैं, उनको नहीं पता है? पता होगा, और अगर पता नहीं है तो ये तो और भी ज़्यादा शर्म की बात है। तो इस पर पॉलिटिकल विल होना बड़ा ज़रूरी है, तभी इस पर कार्रवाई हो सकती है, और इसमें लोगों का सहयोग मिलना बड़ा ज़रूरी है। देखिए वही बात है कि लोगों का सहयोग चाहिए। अनिल जी ने भी अच्छा कहा, दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा। लोगों की बात कर रहे हैं, लोकल विजडम भी है, लोग क्यों नहीं आएंगे? लेकिन जिनका सीधा सीधा स्टेक होल्डर है बेचारे, उनको तो परवाह नहीं करते हैं। और जो लोग बाहर से आके पैसा कमाने के लिए आगे बैठ गए हैं, वो पांव पसारते चले जा रहे हैं, सब निकलते चले जा रहे हैं, सब लोग उसी के साथ में लगे हुए हैं। They are the people who are minting money. और क्या बना दिया आपने कुल मिला के? ये बना दिया
जो बाहर से टूरिस्ट भी आता है उसको क्या दे रहे हैं आप? सिर्फ टाइगर की पूंछ दिखा रहे, टाइगर से क्या है? टाइगर एक जानवर है, एक इंडिकेटर है जंगल की हेल्थ का, जैसे मैंने पहले कहा आपको, अदरवाइज तो जू में देखिए बहुत अच्छे से हाथ फेर के देख सकते हैं आप। ये इसलिए नहीं है, इसके नाम पे जंगल को बचाना है, लोगों को जंगल तो दिखाते नहीं, क्या दिखाना चाहिए लोगों को? जो अगर नहीं जाते हैं तो टाइगर का घर दिखाना चाहिए, जो अगर नहीं दिखता, जिसमें पेड़ है, पहाड़ है, जंगल है, छोटे बड़े जानवर हैं, नदी नाले हैं, वो दिखाइए, तो फिर उनको लगेगा कि हमारे गांव के पास है भैया ये, इसको भी बचाएंगे। छोटा सा गार्डन है उसमें भी देखिए पक्षी कितने आते हैं, उसको भी बचाएंगे। कुल मिला के तब ये इकोसिस्टम बनता है जो कि सबको चाहिए। आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को? सिखा रहे हैं कि जो वहां से इतने पैसे खर्च करके, मेहनत करके, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं 2-3 दिन के लिए, उनको अंदर ले जाते हैं, गारंटीड है टाइगर दिखाएंगे, और टाइगर दिखाने के लिए वही घुमाते हैं 1-2-3 किलोमीटर के एरिया में, अंदर का एरिया भी नहीं दिखाते उसको, और सिर्फ टाइगर देखा वो भी कहता अच्छा चलिए वापस, बोतल खोलते हैं और घर बैठते जाके हो गया टूरिज्म। ये क्या सिखा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं? टूरिज्म का, ये वाइल्ड लाइफ एरिया के टूरिज्म का ये कभी कंसेप्ट आ ही नहीं, ये कहां से डेवलप हुआ? इतना शिफ्ट हुआ क्यों नहीं कोई देख सकता इसको? हम साइंस की तरफ जा रहे हैं या हम उल्टा जा रहे हैं? ये तो बैक गियर लग गया बिल्कुल एकदम से, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको टाइगर को एक कमोडिटी की तरह से, लेपर्ड को एक कमोडिटी की तरह से यूज कर रहे हैं और वही बेच रहे हैं, उसी से पैसा कमा रहे हैं। जो दूसरे एक चीज इसमें और भी नजर आती है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो ज्यादा हो गया है। अब इसमें क्या है कि भाव है या नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी क्वालिफिकेशन के आधार पर और दूसरी विषयों के आधार पर है, लेकिन आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं या नहीं है ये मैटर ही नहीं करता है ये, जबकि जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप उनको समझ पाएंगे, आपके लिए भावनाएं उनके लिए बन पाएंगी। देखिए ये जब नौकरी होती है तो नौकरी तो जो मालिक की मर्जी से होती है, सरकार की नौकरी है तो सरकार की नौकरी बजानी पड़ती है। हर कोई जो है इस तरह रिस्क नहीं लेगा। हमने तो मैं क्या बोलूंगा, सारी सरिस्का की माइंस बंद कराई तो पूरी अरावली की माइंस बंद कराई, तो क्या नहीं झेला होगा, आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की? सही बात है। तो हर आदमी से तो उम्मीद मत कीजिए कि सारा ये काम करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तो एक एक्सेप्शनल बात होगी। आमतौर पर होता क्या है भाई, जो नौकरी में जो लोग हैं, मैं तो इतनी लंबी 40 साल की नौकरी की है जंगल में, सरिस्का का डायरेक्टर रहा, भरतपुर का डायरेक्टर रहा, सारी जिंदगी वाइल्ड लाइफ एरियाज में निकल गई मेरी, तो मेरा तो अनुभव यही है सीधा सीधा, हर कोई ये जोखिम लेगा भी नहीं और एक्सपेक्ट क्यों करते हैं। सरकार ने कानून बनाया, सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की। आपने कहा कि 33% भूभाग का एरिया हमारे पास में फॉरेस्ट में होना चाहिए, आज भी 22% ही है, वो भी कागज में है 21.72 समथिंग लाइक दैट। आपका का वाइल्ड लाइफ एरिया होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ एरिया कितना, 3.76% है कुल मिला के। टाइगर रिजर्व के नाम पे जंगल बचा लेंगे वो कितना है, वो भी 3% भी नहीं है, 2.7%। क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है और उसमें ये हालत हो रही है, उसमें ये हालत हो रही है कि हम लोग, अनिल जी बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने कि भाई टाइगर को छत से दिखाएंगे, आप लॉन में बैठा के दिखा दीजिए, बिल्कुल, और ये कोई बात नहीं हुई, सबके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, यहाँ कुछ नहीं चलता। लेकिन उम्मीद है सर, उम्मीद है, क्योंकि हमारी भी कोशिश यही है कि लगातार जब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठता है तब तक हम इसको एक अलग के तौर पर जगाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, और कोशिश यही है कि इस रिपोर्ट को और ऐसे ही जो कार्यक्रम है उसके जरिए लोगों तक भी जानकारी और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।